नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो इंडियन नेवी के तरफ से जो बहुत सारी वैकेंसी निकली है, लगभग 910 वैकेंसी निकली है, जो कि सिविलियंस के लिए भी अभी एप्लीकेबल है। आपको ये क्या क्या फॉर्म में फिलअप करने के टाइम पे आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, शुरू से लेकर के अंत तक कितने चार्जेज आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, यदि आपका यदि कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितना आपको ये फिलअप करने का चार्जेज लगने वाला है, और आप कितनी उम्र की सीमा है, कितना एज है, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपकी जो मैं इस वीडियो में नोटिफिकेशन जो इंडियन नेवी की तरफ से निकला, मतलब निकाला गया है, वो आपको इस वीडियो में डिस्कस भी करूँगा। इसके साथ मैं आपको फॉर्म फिलअप करके भी लाइव दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे, ताकि आप जब आप फॉर्म फिलअप करने बैठे तो आपके पास सारी डॉक्यूमेंट एक साथ होनी चाहिए। फ्रेंड, तब चलते हैं फ्रेंड कि आपको सर्च कैसे करना है। गूगल में आपको ये सर्च करना है, इंडियन नेवी INCET। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं, जिसे बोलते हैं इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट है, और ये आप जैसे ही सर्च करते हैं फ्रेंड, तो आपका ये जो गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट ये पोर्टल दिख रहा है आपको, आपको इस पोर्टल पे ओपन कर देना है। तो ओपन करने से पहले फ्रेंड, मैं आपको नोटिफिकेशन ही आपको पूरी तरह से बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या इंडियन नेवी की तरफ से निकाला गया है। ये रहा इंडियन नेवी की तरफ से निकाला गया है जो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जो है चार्जमैन का भी निकाला गया है, सीनियर गवर्नमेंट का निकाला गया है। तो एक मतलब अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे इंडियन नेवी की तरफ से पोस्ट निकाला गया है फ्रेंड। तो ये बहुत कम टाइम है, इसमें मैं आपको टाइम भी बताऊंगी कि कम कब आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट कब है ये अप्लाई करने का। तो बात करें फ्रेंड, जो इंडियन नेवी की तरफ से निकाला गया है ये अप्लीकेशन के लिए, तो टोटल 910 जो है ये वैकेंसी निकली है। टोटल 910 वैकेंसी है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि जो सैलरी है लगभग आप यहां देख सकते हैं 7th और 6th पे कमीशन है इसकी, जिसमें 35,400 से लेकर के 1,12,000 रुपये तक आपको यहाँ आपको मिल सकता है सैलरी के बेसिस पे। तो जो पोस्ट का है, ये पोस्ट कैसे अप्लाई कौन से कैटेगरी में है, तो आप देख सकते हैं चार्जमैन है जो 12 वैकेंसी है, रिजर्व के लिए ST SC OBC, तो टोटल वैकेंसी 22 है इसमें। चार्जमैन फैक्ट्री का जो वैकेंसी, फैक्ट्री में जो विजिट होंगे, या ये तो वर्कशॉप का है, ये फैक्ट्री की है जो 22 है वैकेंसी। सीनियर गवर्नमेंट का है जो इलेक्ट्रिकल का है, 142 वैकेंसी है फ्रेंड इसमें। तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन में, कैटेगरी में, आर्मेंट में, मैकेनिकल में, तो अलग अलग वैकेंसी ये निकली हैं, जो टोटल आपको यहाँ पे 910 वैकेंसी को दर्शाती है। अभी आगे भी आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी इसमें है। यही बात करें फ्रेंड की जो लेवल वन पे है, 18,000 से जो 56,000 रुपये तक का वैकेंसी यहाँ पे मिलेगा। ईस्टर्न नेवल कमांड का है, वेस्टर्न नेवल कमांड का है, साउथर्न का है, तो इसमें 500 है, 36 है, 610 टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो बताई गई है आपको। बात करें फ्रेंड, तो जो वैकेंसी निकल रही है ट्रेडमैन मेट का भी है यहाँ पे निकाला गया है, इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जो आपको बताऊँ कि जो सूटेबिलिटी पर्सन है, डिविजिबिलिटी पर्सन का भी यहाँ वैकेंसी, इनको भी मतलब अपॉर्चुनिटी दिया गया है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर कास्ट है रिजर्वेशन में, और डेट की जो एज लिमिट का फैक्टर है फ्रेंड, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि जो चार्जमैन का है, तो इसमें 18 से 22 25 साल तक का उम्र का लोग अप्लाई कर सकते हैं एज में। वहीं आपको मैं बता दूं, जैसे सीनियर गवर्नमेंट में है जो जितने में है, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कंस्ट्रक्शन हो, यहाँ पे 18 से 27 साल, मतलब 2 साल ज़्यादा रखा गया है। वही ट्रेडमैन मेट है, उनकी उम्र 18 से 25 साल रखी गई है। तो इसमें आप अप्लाई करके मतलब आपको जो उम्र जो आप देख रहे हैं एज है, यदि आप इसमें सूटेबल हैं तो फ्रेंड, तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड, जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन आपको मांगा जा रहा है इसमें, चार्जमैन का जो मांगा जा रहा है इसमें बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो होना चाहिए, साइंस होना जरूरी है आपका बैचलर डिग्री में, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, या डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग।
वही बात करें फैक्ट्री का फ्रेंड, जो फैक्ट्री में यदि काम करेंगे चार्जमैन, उनके लिए है बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, सेम है यहाँ पे, लेकिन जो डिप्लोमा का डिग्री है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल कंप्यूटर साइंस और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से होना चाहिए आपका। तो यहीं पे आपको बता दूं फ्रेंड, जो क्वालिफिकेशन थी डोरमैन का, ये जो सैलरी आपको बताया था 18,000 से लगभग 54,000 तक का, उनके लिए है जो इलेक्ट्रिकल का है, ये मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, जो मैट्रिक है वो पास होना चाहिए, 2 ईयर्स का डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए डोरमैन का, जिन्हों जहीं मतलब कि उन्होंने कहीं से भी ट्रेनिंग लिया हो इंस्टीट्यूट से, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइंग का, जो ड्राइंग करते हैं वो, यदि आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, कैड का सर्टिफिकेट है, तो ये आपका बेनिफिट माना जाएगा, मतलब एक एडवांटेज माना जाएगा फ्रेंड इसमें। तो सेम है ड्रॉमैन के लिए, जो है वो आपका मेट्रिकुलेशन कंपलसरी होना चाहिए, 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, सारे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनके लिए। बात करें फ्रेंड नेम ऑफ ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आपको काम करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। इसमें जो ट्रेंड मैन है उनका जो वर्किंग इन प्रोडक्शन में काम करना होगा, जनरल क्लियरेंस एंड वर्कर्स होना रखना पड़ेगा, कैरिंग फाइल्स अदर पेपर्स ऑफ द एरिया ऑफिस है। एज रिलैक्सेशन की बात करें फ्रेंड, यहाँ पे 5-5 साल एसटीएससी ओबीसी को दिया गया है दोनों फैक्टर में, दोनों में पोस्ट में इसमें, तो आप यदि बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यही मैं आपको बता दूँ, जो एग्जामिनेशन फीस है, जो आपको पैसे लगने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट, जो कैंडिडेट एसटीएससी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और वोमेन कैटेगरी हैं, उनका यहाँ पेमेंट 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। तो फ्रेंड यदि आप हु आर एक्सपेक्टेड पेमेंट फ्रॉम आर रिक्वायर्ड टू पे 295 295 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। इसमें 295 ओनली एक्सक्लूड अप्लीकेबल चार्जेस थ्रू द ऑनलाइन, आप ऑनलाइन के थ्रू ही ये आप कर मतलब पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन में UPI है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जो ऑप्शन दिया जाता है। एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड ऑन द एग्जामिनेशन ओनली टू दोज कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली पेड द एग्जामिनेशन फीस। तो जो कैंडिडेट उन्होंने जमा किया है, जो मतलब पेमेंट करेंगे, उनको ही ये एडमिट कार्ड मतलब इशू किया जाएगा उनके लिए भी। एग्जामिनेशन सेंटर है फ्रेंड, ये अलग 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 स्टेट में अलग अलग जो आपको दिया जाएगा, जो आपके नज़दीक में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। स्क्रीन की है जो इंडियन नेवी विल नॉट कैरी द डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन अपीयर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपका जो है जो भी है आप जो फिलअप करते हैं, जो जो डिटेल आप फिलअप करते हैं उस पे बेस पे नहीं होता है आपका, ये जो है पूरी तरह से फिलअप, जो भी डिटेल आप फिलअप करेंगे उसमें एग्जामिनेशन से बी4 में जो भी डिटेल आप फिलअप करते हैं उसी के बेसिस पे ये आपका होगा। एग्जामिनेशन जो स्कीम्स है मतलब जो सिलेबस है एक तरह से बोले हैं, तो सिलेबस जो 90 मिनट मतलब लगभग 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मतलब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज से 25-25 नंबर का ये मार्क्स होगा इसमें। तो आप इसमें जो पेपर एग्जाम देंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी लैंग्वेज आप मतलब यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जो मैं साइट बताऊँगा वहाँ से जाकर के आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये फ्रेंड जो लास्ट डेट है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, लगभग 18 दिसंबर को ही ओपन हुआ ये पोर्टल और ये 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। तो बहुत कम टाइम दिया गया है इसमें, लगभग 12 से 13 दिन तक का है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, पहले इंडियन जो आपको ज्वाइन इंडियन नेवी डॉट कॉम जो gov.com आप देख सकते हैं, इसमें gov.in पे मैं इसे डिस्क्रिप्शन में ये अपने ये जो लिंक है इस पे ये मेंशन कर दूंगा। उसके बाद ज्वाइन नेवी पे जाना है, वे टू ज्वाइन पे क्लिक करना है, सिविलियंस पे क्लिक करना है और INCET पे क्लिक करना है। वो मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा जब आप अप्लाई मैं अप्लाई करूंगा तो इसमें। तो फ्रेंड याद रहे कि आपका जो फोटो है वीडियो है वो जो भी आप अपलोड करेंगे प्लीज आपके पास फ़ोन में जो या डेस्कटॉप लैपटॉप में कहीं पे भी आपके पास होना ज़रूरी है। इसमें आप अप्लाई करते हैं तो आप जब भी अप्लाई करते हैं तो बताया गया कि आपका यहाँ पे सारी डिटेल मतलब एक तरह से पुख्ता होनी चाहिए, सही होनी चाहिए।
अब आपको मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ पे डिक्लेरेशन है, जो आपको मैंने बताया यहाँ पे जो डिटेल है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन है जो 31 दिसंबर तक का ही है। फॉर एनी क्लोरिफिकेशन असिस्टेंट कैंडिडेट तो ईमेल कर सकते हैं आप, या हेल्प डेस्क नंबर पे आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड लिखा हुआ है और नोटिफिकेशन कम्प्लीट हुआ फ्रेंड। अब हम चलते हैं आपको फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस पे। तो ये फ्रेंड आप इस पोर्टल पे जब आप आ जाते हैं, इंडियन नेवी जो मैंने लिखा था, इंडियन नेवी INCET, इस पर जब आ जाते हैं तो आप जैसे फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का ऑप्शन आता है जो मैंने अभी आपको बताया था कैसे प्रोसेस है, इस पर क्लिक करना है कैसे। जब इस पोर्टल पे आ जाते हैं तो ज्वाइन नेवी लिखा होता है, ज्वाइन नेवी पे आप क्लिक करके वे टू ज्वाइन पे आएँ। वे टू ज्वाइन पे फिर आप नीचे जो देख रहे हैं सिविलियंस लिखा हुआ है, सिविलियंस पे आएँ। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे INCET 01/2023 इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पोर्टल में आ जाते हैं, इंडियन नेवी का पोर्टल ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है यदि आप रजिस्टर कर चुके हैं तो। यदि रजिस्टर नहीं कर किया है, आपने पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं इंडियन नेवी के पोर्टल पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू यूजर्स या क्लिक हेयर टू रजिस्टर। तो न्यू यूजर्स या क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पोर्टल मतलब इस तरह का डिस्प्ले या पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपके ईमेल जो मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है दोनों चीज़ मांगा जाता है, मोबाइल आईडी नंबर और ईमेल आईडी डाल करके। याद रहे फ्रेंड आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कंपलसरी कि आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है वही आप यहाँ पे मेंशन करें, जो आप यूज़ कर रहे हैं रेगुलर में आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यूजर नेम पे आप यूजर नेम अपने खुद से सोचें कि कौन सा यूजर नेम आप रख सकते हैं। इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रेंड यहाँ पे वही इंटर कैप्चा पे फिलअप करना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो 6 डिजिट का OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाता है, वो मोबाइल नंबर आपके पास OTP आता है, वो OTP यहाँ पे फिलअप करें जो आपके पास OTP गया हो। उसके बाद आप अपने मन से पासवर्ड को यहाँ पे डालें। तो पासवर्ड को फ्रेंड आपका ये मिनिमम जो है आपका 1 कैरेक्टर होना चाहिए जिसमें एक स्मॉल जो होना चाहिए लोअर केस अपर केस जिसे बोलते हैं एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि यदि हम पासवर्ड डालते हैं तो दिसंबर को D कैपिटल में डालें, EC@1234 इस तरह का आप डाल कैपिटल मतलब यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हमने बताया फ्रेंड, यदि आप चाहें तो मैं भी आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि आप कैसे हम मेंशन कर सकते हैं इसमें। फ्रेंड यदि डी उसके बाद EC उसके बाद @1234 तो इस तरह का आप यूज कर सकते हैं आप पासवर्ड को जो मैंने आपको बताया था। इस तरह का पासवर्ड आप यूज़ कर लेंगे तो एक तरह से मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया इसको, आप एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हैं इस पासवर्ड को। तो ये पासवर्ड आप ऐसे रख सकते हैं। तो मैंने इसीलिए एक एग्जांपल के तौर पे बताया, आप अपना खुद से मन से सोच सकते हैं जो कि आपको याद रहे फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट पे बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है जिसमें अवेलेबल पोस्टेज दिखते हैं आपको। तो जो मैंने भी नोटिफिकेशन बताया था उसमें यदि जो आप पोस्ट में सूटेबल हैं वो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये पोर्टल ओपन होकर के आ जाता है। इसमें जो आपको आई हेयरबाय डिक्लेयर पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके पास ये क्लिक करते ही आप सेव ऑप्शन आ जाता है, सेव ऑप्शन पे आगे बढ़ सकते हैं क्लिक करके। जैसे ही क्लिक करते हैं सेव ऑप्शन पे उसके बाद आपके पास जो पूछा जाता है कि आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक करें, नहीं है तो नो पे क्लिक करें, यदि है तो यस पे क्लिक करें। उसके बाद आपका आधार कार्ड डिटेल मांगा जाता है, जो सैल्यूटेशन नाम जैसे मिस्टर मिसेज ऐसा नाम डाला जाता है इसमें, नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम एज पर जो मैट्रिकुलिफिकेशन है मैट्रिक में जो दिया हुआ वही फिलअप करें, जेंडर और हैव यू एवर चेंज नाम यदि आपने कभी चेंज किया है तो यस अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जो बेसिक डिटेल होती है वो आपको यहाँ पे मांगा जाता है, जैसे कि आपका मेन जो जेंडर है बिलोंग्स करते हैं कि नहीं, एक सर्विसमैन में है कि नहीं, इस तरह की डिटेल आपको मांगी जाती है यहाँ पे।
यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे क्लिक करके फिलअप करना होगा, जो डेट ऑफ बर्थ है। और यदि अपलोड बर्थ प्रूफ, यदि बर्थ प्रूफ जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है फ्रेंड, 10th का मार्कशीट भी है या आपका SSC सर्टिफिकेट कोई भी है, आप सबमिट कर सकते हैं। याद रहे फ्रेंड, जो भी आप सबमिट करते हैं, आप ब्राउज पे सबमिट करते हैं, अपलोड करते हैं, वो आपका PDF फाइल में ही होना चाहिए और उसकी साइज़ जो होती है 50 KB से 200 KB होना चाहिए। गूगल में जाकर के आप जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है कोई भी है, आप उसका फ़ोटो खींचे, 10th मार्कशीट का फ़ोटो खींचे, उसको गूगल में जाकर के डायरेक्ट जो इमेज टू PDF में कन्वर्ट करने का एक साइट है, वहाँ पे जाकर के अपलोड अपना पिक्चर को करें और डायरेक्ट आपका PDF वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे PDF फाइल में उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ है, जो आपके फोटोग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब जो बैकग्राउंड होना चाहिए विथ लाइट बैकग्राउंड, प्रेफरली वाइट, मतलब कोशिश करें कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए उसमें। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना चाहिए, इसमें सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 20 KB तक है, JPG जो फोटो है। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर दें यदि आपका अपलोड हो जाता है तो। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है फ्रेंड, जो कि आपको एडिशनल मतलब कि आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन बेसिकली यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, रिलीजन जो आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वही होता है फ्रेंड, जो आपका जैसे बॉडी में कोई कट मार्क है कहीं पे भी, लेफ्ट में राइट में बॉडी के कोई भी पार्ट में, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस फॉर जो आपका कमांडेंट है, तो 3 पोस्ट के लिए आपको चॉइस दिया जाता है कि 3 पोस्ट, कोई भी 3 पोस्ट आप चॉइस कर सकते हैं। तो पोस्टिंग 1 है जो आप पोस्टिंग 1 के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, पोस्टिंग 2, पोस्टिंग 3, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया है या मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप जो पोर्टल पे आप जाएंगे कैसे आपको देखना है उससे भी आप इस पोस्ट पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए प्रेफरेबल होगा। यदि आपने ये फॉर्म फिलअप कर दिया, सबमिट कर दिया हो, तो आप यहाँ पे सेव बटन है, सेव बटन पे क्लिक कर दें। क्लिक करते हैं फ्रेंड, आपके सामने ये कैमरे वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा जो कि लाइव आपका यहाँ पे फोटो क्लिक होगा, मतलब आपके जो कैमरे हैं फ़ोन का हो या लैपटॉप का हो, वेब कैम जिसे बोलते हैं, उसका ओपन हो जाएगा जिसमें आपका फ़ोटो कैप्चर होगा। फिर उसके बाद रिकैप्चर 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 रिकैप्चर, मतलब 4 बार आपका फ़ोटो क्लिक होगा, मतलब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फोटो आपका क्लिक होगा, फिर दूसरी बार क्लिक करेंगे तो फिर से फोटो क्लिक होगा, 3-4 बार आपका फोटो क्लिक होगा। उसके बाद वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाए इसमें बाद। जैसे ही आगे बढ़ते हैं इसमें आपका सारी डिटेल मांगी जाती है फ्रेंड, इसमें जो एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस है आपका, आपका डिटेल मांगा जाता है इसमें, मेन सारे डिटेल है जो आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मांगा जाता है। जैसे ही आप कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस फिलअप कर देते हैं, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है आपको, जो इसेंशियल है बेसिक क्वालिफिकेशन है जिसके लिए पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, वो मांग आपका पूछा जाता है कि डू हैव इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन पोस्टेड, जो पोस्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन है कंप्लीट है, तो यस पे क्लिक करें, सेव बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो एडिशनल जो आपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्री किया है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी फ्रेंड, मतलब जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं, कौन से ईयर से, यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर आपका अवेलेबल है तो वो, टाइप ऑफ एवेलेशन जो था, कौन सा मार्क्स था, ग्रेड था, क्लास या ग्रेड कौन सा मिला आपको, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे 50 KB से 200 KB का होना चाहिए फ्रेंड, वो भी PDF में। तो आपको मैंने बताया था जो भी सर्टिफिकेट है उसका फ़ोटो खींचें, गूगल में आप सर्च करें इमेज टू PDF और वो इमेज को अपलोड कर दें, डायरेक्ट PDF कन्वर्ट हो जाएगा, लगभग 200 KB से कम का ही होता है फ्रेंड इसमें, यदि एक पिक्चर है तो आपकी। उसके बाद सबमिट कर दें, यदि कोई एड क्वालिफिकेशन और भी कोई है तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रेफरेंस जो आ जाता है जिसमें एग्जामिनेशन सिटी है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जो भी हमने अप्लाई किया था यहाँ, होम से लेके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फोटो कैप्चर, कम्युनिकेशन डिटेल, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसेंशियल एक्सपीरियंस जो आपका है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं इसमें बाद। उसके बाद जो आया है सेकेंड लास्ट, मतलब सो ख़त्म होने से जस्ट पहले का है, एग्जाम सिटी प्रायोरिटी, तो आपको एग्जाम जो है यहाँ पे 3 दिया जाता है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास में कौन सा लोकेशन है जो आपके लिए प्रेफर होगा, जो नज़दीक पड़ेगा। उसके बाद तीनों सिलेक्शन आप सेलेक्ट कर लें, तीनों एग्जामिनेशन, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो लास्ट बचा फ्रेंड प्रीव्यू एंड सबमिट, तो लास्ट जो प्रीव्यू एंड सबमिट पे जब आप जाते हैं
यस पे क्लिक करके उसके बाद आप यहाँ पे या आई कमेंटेड पे सिलेक्ट कर दें, उसके बाद सबमिट अप्लीकेशन कर दें। तो जैसे सबमिट कर देते हैं फ्रेंड, तो आपका ये पूरी तरह से सबमिट हो जाता है डिटेल जो इंडियन नेवी के लिए। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस जो वीडियो है उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरे वीडियो को लाइक भी करें। और जो मैंने आपको बताया था फ्रेंड, ये इंडियन नेवी से रिलेटेड जो वैकेंसी है तो बहुत ही कम दिन है, 10 से 12 दिन है टोटल आपको अप्लाई करने के लिए। आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप ये जो भी क्राइटेरिया है इंडियन नेवी की तरफ से वो बिलोंग करते हैं, आप उससे मतलब जो फुलफिलमेंट हो करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ वो आपके पास पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।